हेलो फ्रेंड्स, मैं भाग्यश्री क्रिएटिव मॉम चैनल में आपका स्वागत है। चावल की खीर तो आप हमेशा बनाते होंगे, पर आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और यूनिक टेस्ट में कॉर्न की खीर बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही सिंपल, इजी और फ्लेवरफुल रेसिपी है। इसे किसी भी स्पेशल ओकेज़न, पार्टी, फेस्टिवल में बना के सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल हटकर बहुत ही लजीज टेस्ट में रहेगी यहाँ खीर। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। स्वीट कॉर्न खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का स्वीट कॉर्न ले लिया है। सबसे पहले इसके दाने निकाल लेते हैं। इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेते हैं। आप इसमें पानी या थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से पीस सकते हैं। ये देखिए, मैंने बहुत बढ़िया पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब गैस पर मैंने एक पैन गरम करने रख दिया है और उसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच घी। घी को थोड़ा सा गरम होने देते हैं। घी गरम हो गया है, अब इसमें हम स्वीट कॉर्न का पेस्ट डाल देते हैं। फिर इसे लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, स्वीट कॉर्न के पेस्ट का कलर चेंज हो गया है और पैन में से ये अलग होने भी लगा है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इस तरह से इकट्ठा हो रहा है और ये इंडिकेशन है कि ये पेस्ट बढ़िया से पक गया है। बस इससे ज़्यादा और नहीं पकाना है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 लीटर दूध और इसे धीरे धीरे डालते हुए मिक्स करते जाएंगे। ये पूरा दूध इसमें डाल दिया है और इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए और इसे तेज आंच में एक उबाल आने देते हैं। देखिए, दूध में उबाल आ गया है। अब गैस कर देते हैं लो मीडियम और इसे 5 मिनट तक पकने देते हैं। इतना इसे पकाइए जब तक ये दूध आधा ना हो जाए और ये काफ़ी गाढ़ा दिखाई देने लगे। इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इलायची पाउडर से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा इसमें। देखिए, दूध आधा हो गया है और ये काफी गाढ़ा हो गया है। इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच शुगर। इसमें ज़्यादा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्वीट कॉर्न वैसे ही काफ़ी मीठे होते हैं। अब इसे शुगर डालने के बाद 1 मिनट पका लेते हैं ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए और बाद में मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। देखिए, अब हमारा स्वीट कॉर्न खीर रेडी हो चुका है। खीर आप अपने अनुसार थोड़ा पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद ये खीर और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। आप इसे रूम टेम्परेचर में आने के बाद फ्रिज में रखकर भी सर्व कर सकते हैं। ठंडा या गर्म, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा आप सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करूँगी। बहुत ही टेस्टी, यूनिक फ्लेवर में स्वीट कॉर्न की खीर रेडी हो गई है। जब भी आपको
मीठे में कुछ अलग खाने का मन हो इसे बनाइए, खाइए और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।